हाय फ्रेंड्स, मैं पुलकित शर्मा हूँ। मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और राइटर हूँ और आज मैं आपसे ट्रॉमा की बात करने वाला हूँ। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारी सोसाइटी में आजकल अवेयरनेस आ रही है ट्रॉमा को लेकर, एंड लोग ट्रॉमा विक्टिम्स की बात करते हैं, उनकी हेल्प करने की बात करते हैं, उनके कॉज के लिए खड़े होने की बात करते हैं। लेकिन ये देख के कहीं पे बहुत अफसोस होता है कि वो लोग, यही लोग जो ये सब बातें करते हैं, मुझे समझ नहीं आता कि वो ट्रॉमा को तोलने क्यों लग जाते हैं, तराजू में क्वांटिफाई क्यों करने लग जाते हैं। ये क्यों कहते हैं कि इस ग्रुप का ट्रॉमा तो शायद कम होगा, इस ग्रुप का बहुत ज़्यादा होगा, या कि हम तो इस ग्रुप के ट्रॉमा को ही मानते हैं, हम इस ग्रुप के ट्रॉमा को तो मानते ही नहीं हैं, या इसी ग्रुप के साथ ट्रॉमा हुआ होगा, इस ग्रुप के साथ तो हुआ ही नहीं होगा। ट्रॉमा ट्रॉमा है, दर्द दर्द है, वो जेंडर नहीं देखता, रिलीजन नहीं देखता, कास्ट नहीं देखता, एज नहीं देखता, वो कुछ भी नहीं देखता। ट्रॉमा हिंदूज के साथ हो सकता है, मुस्लिम्स के साथ हो सकता है, सिक्स के साथ हो सकता है, क्रिश्चियंस के साथ हो सकता है, पारसीज के साथ हो सकता है, और सबके साथ हुआ भी है। किसी ना किसी एज में, टाइम पीरियड में सबके साथ ये सारे जो रिलीजन्स हैं ये ट्रॉमा से गुजरे हैं। तो हमें अपने दिल को इतना बंद करके नहीं रखना चाहिए, अपने दिमाग को इतना बंद करके नहीं रखना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हम सब ट्रॉमा विक्टिम्स के साथ आइडेंटिफाई करें, एंड एज अ होल सोसाइटी हम ये कहें कि ट्रॉमा किसी भी फॉर्म में, किसी के साथ भी, किसी भी जगह ना हो, जहाँ भी हो रहा है वो गलत है, और हम सब यूनाइटेड उसके साथ खड़े हैं। अगर आप लोगों को ये बात में फिर भी थोड़ा सा संशय है, जो कि हो सकता है, बिकॉज आई थिंक यू नो कि कई बार हमारे ओपिनियंस इतने स्ट्रांग होते हैं और वो हमारी अपनी लाइफ हिस्ट्री से इतने इंस्पायर्ड होते हैं कि हम एक कंप्लीट पर्सपेक्टिव देख ही नहीं पाते। तो मेरे लिए एक बड़ी छोटी सी मैं आपको रिकमेंडेशन करता हूँ, अगर आपको पढ़ने का शौक है, बुक्स पढ़ने का शौक है, तो ये दो बुक्स हैं जो मैंने पढ़ी थी। ये देखिए, ये है हबीबुर रहमान की फर्स्ट दे इरेज्ड हर नेम, एंड जैसा कि आप लोगों को पता होगा, ये जो म्यांमार के रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं उनके साथ जो ट्रेजडीज हुई, ये बुक उसके ऊपर है। और ये बुक का तो आप लोगों ने, आप में से काफ़ी लोगों ने नाम सुना होगा, राहुल पंडिता की और मून हैज़ ब्लड क्लॉट्स। दिस इज़ अबाउट द जीनोसाइड ऑफ कश्मीरी पंडित्स। आप इन दोनों बुक्स को पढ़िए और फिर ये सोचिए कि क्या ट्रॉमा ट्रॉमा नहीं है, क्या दर्द दर्द नहीं है, क्या हमें एज अ सोसाइटी यूनाइट नहीं होना चाहिए सारे फॉर्म्स ऑफ ट्रॉमा को अपोज करने के लिए, सारे विक्टिम्स के लिए जस्टिस डिमांड करने के लिए, और इनफैक्ट ऐसी सोसाइटी क्रिएट करने के लिए कि जहाँ ट्रॉमा हो ही ना। इस बात पे ज़रूर सोचिएगा। थैंक यू सो मच।